नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। स्वागत करती हूं आपका वन इंडिया हिंदी में। चुनावी सफर में आज बात महाराष्ट्र के सतारा लोकसभा सीट की होगी, जहां से शिवाजी महाराज के वंशज और एनसीपी नेता उदयन राजे भोसले सांसद हैं। उन्होंने साल 2014 के चुनाव में इस सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी पुरुषोत्तम जाधव को 3,36,594 मतों से पराजित किया था। उदयन राजे भोसले को 5,22,531 मत हासिल हुए थे, तो वहीं पुरुषोत्तम जाधव को केवल 1,55,937 वोटों पर संतोष करना पड़ा था। सतारा शाहूजी के वंशजों की राजधानी रहा है। 1818 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय की पराजय के उपरांत अंग्रेजों ने इसे पुनः आश्रित राज्य बना दिया था। 1848 ईस्वी में गोद प्रथा की समाप्ति का सिद्धांत लागू किए जाने के फलस्वरूप इसे अंग्रेजों ने भारतीय साम्राज्य में मिला लिया था। वर्तमान में ये जिला पुणे मंडल के अंतर्गत आता है। यहाँ की कुल जनसंख्या 22,29,884 थी, जिसमें से 78% आबादी गाँव में और 21% शहरों में रहती है, जबकि 10% लोग यहाँ SC और 1% ST वर्ग के ताल्लुक रखते हैं। साल 1951 में यहाँ पहला आम चुनाव हुआ था, जिसे कांग्रेस ने जीता था। साल 1957 का चुनाव यहाँ पर CPI ने जीता और उसका राज 1962 तक यहाँ पर रहा। लेकिन 1967 का चुनाव यहाँ पर कांग्रेस ने जीता और तब से लेकर 1991 तक यहाँ पर कांग्रेस की ही सत्ता रही। साल 1996 का चुनाव यहाँ पर पहली बार शिवसेना ने जीता था, तो 1998 में एक बार फिर से यहाँ पर कांग्रेस को सफलता मिली। साल 1999 में यहाँ पर नेशनल कांग्रेस पार्टी जीती और तब से लेकर अब तक यहाँ पर उसी का छत्र राज है। और यहाँ के सांसद की सीट पर दो बार से लगातार उदयन राजे भोसले विराजमान हैं। आपको बता दें कि उदयन राजे भोसले छत्रपति शिवाजी महाराज की 13वीं पीढ़ी से आते हैं। वो महाराष्ट्र में BJP सरकार के कार्यकाल में रेवेन्यू मिनिस्टर भी रह चुके हैं। दिसंबर 2018 की रिपोर्टों के मुताबिक पिछले 5 सालों के दौरान उनकी लोकसभा में उपस्थिति 28% रही है, लेकिन इस दौरान उन्होंने एक भी डिबेट में हिस्सा नहीं लिया है। साल 2014 के चुनाव में इस सीट पर मतदाताओं की संख्या 17,19,958 थी, और जिसमें से मात्र 9,76,681 लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया और मतदान किया, जिसमें पुरुषों की संख्या 5,19,692 और महिलाओं की संख्या 4,56,989 थी। साल 2014 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार यहां पर खड़ा किया था, जिन्हें इस चुनावी जंग में नंबर 3 पर संतोष करना पड़ा था। उन्हें मात्र 8% वोट मिले थे। सतारा सीट पर पहले कांग्रेस और फिर NCP का राज रहा। देश में मोदी लहर के बावजूद उदयन राजे भोसले ने 2014 के लोकसभा चुनाव में 5 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए थे, और इससे पहले 2009 में भी वो 3 लाख से ज्यादा वोट से जीत चुके हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि इस सीट पर उनका हराना आसान नहीं है। हालांकि विरोधी दल की लगातार कोशिश इस सीट पर NCP के दुर्ग को भेदने की रही है। क्या इस बार भी वो अपनी कोशिशों में कामयाब होते हैं, या फिर एक बार फिर से यहाँ NCP का वर्चस्व बरकरार रहता है? इसको जानने के लिए हमें और आपको चुनावी नतीजों का तो इंतजार करना ही होगा, लेकिन अब देखते हैं इस बार की सतारा की सत्ता का ताज किसके सर पर सजता है और कौन बनता है यहाँ का सरताज। आज के सफर में इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई संसदीय सीट के लेखे झोंके के साथ। बने रहिए वन इंडिया के साथ। नमस्कार।